गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ चार शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो शब्द क्या है? अंग्रेजी में इसे वर्ड कहते हैं। वर्ड तुम लोग पढ़ती होगी इंग्लिश में। अब यहाँ देखो चित्र क्या है, हाथी का। तो हम हाथी कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हा जोड़ थी, क्या हो गया? हाथी। इसमें कौन वर्ण है? हा वर्ण है और थी वर्ण है। दो वर्ण हैं, दो अक्षर हैं, मिलके ये शब्द बनता है। ये हाथी का अर्थ समझती हो? ये एक तरह का जानवर है, तुम लोग हाथी देखी भी होगी। यदि इसी को हम उलट के लिखते हैं, पहले थी लिख देते हैं फिर हा लिखते हैं, तो क्या हो जाता है? थी हा। ये दोनों भी वर्ण हैं, ये दोनों वर्ण भी मिले हैं, तो इसको मिला के भी शब्द होना चाहिए थीहा। लेकिन थीहा कोई शब्द है? इसका कोई मीनिंग है, कुछ अर्थ होता है? नहीं होता है। तो हम बच्चों, हम इसको शब्द नहीं कहेंगे, जिसका अर्थ कुछ पता चले उसको हम शब्द कहेंगे। जैसे बगीचा, तो बगीचा हो गया, तो बगीचा मतलब उपवन, बाग, तो इसका अर्थ हम लोग को समझ में आता है। इसी को उल्टा लिखेंगे चागीब, तो चागीब कोई सब इसका कोई जो है मीनिंग नहीं है, कुछ अर्थ नहीं है, समझ में नहीं आता है चागीब क्या होता है, तो ये शब्द में नहीं आएगा। वर्णों का मेल ये भी है, लेकिन इसका कोई पता नहीं चलता है ये क्या है, इसीलिए इसको हम शब्द नहीं कह सकते। अर्थात बच्चों, वर्णों के सार्थक समूह को समूह जो है शब्द कहता है, कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह मतलब अर्थ वाला मेल, अर्थ वाला समूह शब्द कहलाता है। इसमें शब्द हुआ हाथी, बगीचा। ठीक है, तो हमें क्या समझना है? जो वर्णों का अर्थ वाले समूह या सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, सार्थक का अर्थ अभी तुम लोग को बताए, जो अर्थ वाले समूह, जो अर्थ वाले शब्द हैं, जैसे हाथी, ये सार्थक शब्द हो गया, जिसका अर्थ पता चलता है। तो जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हाथी, बगीचा, घर, घर, घ में घ और दो इसमें वर्ण है, अक्षर हैं, तो ये शब्द बन गए। दूसरा है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। वर्णों का समूह है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। जैसे थीहा, चागीब, घर और घर को यदि हम रग लिख देते हैं, रग हो रग, तो ये शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं, बिना अर्थ वाले शब्द। सार्थक मना अर्थ वाले शब्द, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ न हो वो वाला शब्द। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग? एक बार हम लोग किताब में देख लेते हैं। ये देखो हाथी है, हाथी समझ में आता है, बगीचा समझ में आ रहा है, बरसात, ये शब्द हैं, ये वर्णों के समूह हैं। हा थी, हा है, थी है, दो हैं, ब गी चा तीन वर्ण हैं, तो ये हो गया ब र सा त बरसात, चार वर्ण हैं, और सबका हम अर्थ समझते हैं, इसीलिए ये शब्द हो गया। तो शब्द के दो भेद हुए, सार्थक और निरर्थक। सार्थक में जैसे आलू, बर्तन, हाथी, बकरी। निरर्थक वालू, बर्तन, वाथी, वकड़ी, ये सब का कोई अर्थ नहीं है, इसको निरर्थक शब्द कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर दिया हुआ है वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, इसे याद कर लेना है, क्लासवर्क कॉपी में लिख लेना है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, शब्द के दो प्रकार हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक। सार्थक में जो है जिसका हम अर्थ समझते हैं, आलू, बर्तन, हाथी, बकरी आदि जैसे में। निरर्थक हो गया जैसे उसका
वालू वर्तन वाथी, जिसका कोई हम लोग पता ही नहीं चलता है ये क्या चीज़ है, तो निरर्थक शब्द हो गया। इसको आप लोग किताब में भर लीजिएगा, मैं यहाँ भर दी हूँ इसको देख करके। शब्द किसे का तो मैं फ़ोटो भेज दी हूँ मैसेज में, उसको देख के किताब में भर लीजिएगा। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जैसे हाथी घर आदि। शब्दों के अर्थ के आधार पर कितने और कौन से भेद होते हैं? शब्द अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द जैसे घर, निरर्थक शब्द जैसे रोग हो रग। सही का निशान लगाओ, इनमें सार्थक शब्द कौन सा है? वालू माला ओटी, तो ये माला सार्थक शब्द है, टिक कर दिए। इनमें निरर्थक शब्द कौन सा है? कमल मन वारू, तो कमल और मन का तो मीनिंग समझते हैं, वारू का नहीं, तो ये हो गया निरर्थक शब्द। ठीक है, इसके नीचे है वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाओ, इसको भी कॉपी में लिख लेना है। जैसे है ये गुलाब का फूल है, इसको उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है लागूब, तो लागूब तो इसका सही नाम नहीं है, तो इसको हम सही लिखेंगे गुलाब। ये है रन ही, तो ये उल्टा पुल्टा जो है इसको सही से हिरन लिखेंगे। ये है टमाटर, यहाँ लिखा है माटरट, उसको सजा के लिखेंगे पहले ट मा ट र सजा के टमाटर। यहाँ जरबूत है, ये है तरबूज का चित्र, यहाँ तर तरबूज तरबूज लिखना। ठीक है बच्चा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप लोग इसको अच्छे से किताब और कॉपी दोनों में काम पूरा कर लीजिएगा।